एक बार की बात है, पूर्णिमा की रात्रि थी, यमुना जी के किनारे भगवान ने बजाई बांसुरी, शरद ऋतु की बेला। पूर्णिमा की रात्रि जिसे हम कहते हैं ना शरद पूर्णिमा, शरद पूर्णिमा की रात्रि में भगवान ने बांसुरी बजाई। और जब भगवान ने बांसुरी बजाई और गोपियों ने जब भगवान की बांसुरी को सुना तो गोपियों के कानों में वो बांसुरी ऐसी सुनाई पड़ रही है, बांसुरी नहीं सुनाई पड़ रही, गोपियों को कान में ये सुनाई पड़ रहा है कि खुद भगवान कान में आके कह रहे हैं कि अरी गोपी तू घर पे बैठी बैठी क्या कर रही है, यमुना जी के किनारे मैं कब से तेरा इंतजार कर रहा हूँ। और बांसुरी के स्वरों में जब गोविंद की आवाज गोपियों ने सुनी तो वेद व्यास जी लिख रहे हैं कि जो गोपियां अपने अपने घर गृहस्थी के कामों में लगी थीं, गोपियों ने अपने घर गृहस्थी के कामों को करना बंद कर दिया। और निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम ब्रज स्त्रियः कृष्ण गृहीत मानसा आजग मुरन्योन्यमलक्षितोद्यमा सयत्र कांतो जवलोल कुंडला। भगवान ने जब बांसुरी बजाई, गोपियों ने बांसुरी के स्वर सुने, और जब बांसुरी के स्वर गोपियों ने सुने तो गोपियां जो काम कर रही थी शाम के समय, क्या कोई कोई गोपी गैया का दूध दोह रही थी, कोई गोपी भोजन बना रही थी, कोई गोपी स्नान कर रही थी, कोई गोपी श्रृंगार कर रही थी, कोई गोपी भोजन कर रही थी, कोई गोपी कुछ कर रही थी, कोई गोपी कुछ कर रही थी। लेकिन जैसे ही भगवान ने बांसुरी बजाई तो वेद व्यास जी लिख रहे हैं कि जो गोपी गैया लगा रही थी, गैया का दूध दोह रही थी, उन्होंने गाय का दूध दोहना बंद किया और दूध रखने वाला जो बर्तन है वो गाय के चार पैरों के बीच में ही छोड़ दिया। और दौड़ते भागते हुए गोपियां यमुना जी पहुंची हैं भगवान का दर्शन करने। कुछ गोपियां स्नान कर रही हैं, स्नान करना छोड़ा उल्टे सीधे आधे अधूरे वस्त्र पहने और वैसे ही चल दी। कुछ गोपियां भोजन कर रही हैं, भोजन करना छोड़ा, कुछ भोजन परोस रही हैं, भोजन परोसना छोड़ा। एक गोपी ने तो ये तक किया, काजल लगा रही थी, आंखों में लगाने के साथ साथ पूरे चेहरे पे काजल लगाया और वैसे ही चल दी। ऐसे सारी गोपियां बांसुरी में डूब करके धैर्य मर्यादा संकोच सब छोड़ती, त्यागती, सबका त्याग करते दौड़ते भागते हुए गोपियां भगवान से मिलने के लिए चली जा रही है। अब गोपियां पहुंची यमुना जी के किनारे। जब गोपियां यमुना जी के किनारे पहुंची भगवान से मिलने तो भगवान पहले तो गोपियों से अच्छे से मिले क्योंकि भगवान ने खुद बुलाया है बांसुरी बजा के। लेकिन थोड़ी देर के बाद भगवान गोपियों से कहते हैं कि गोपियों तुम जानती हो पतिव्रता पत्नियों का, पतिव्रता स्त्रियों का इतनी अंधेरी रात में घूमना अच्छा नहीं होता, शोभा नहीं देता, इसलिए लौट जाओ, वापस जाओ। अब गोपियों ने जब सुना तो गोपियां कहती हैं कि सुनो कृष्ण, अब तुम हमें पतिव्रता कहो या पतिव्रता ना कहो, हमने तो अपना सब कुछ तुम्हें मान लिया है, हम अपना सब कुछ छोड़ करके तुम्हारे पास इसलिए आए हैं क्योंकि हमें लगता है अब तुम ही हमारे सब कुछ हो, इसलिए अब तुम जो भी समझो समझते रहो, हम तुम्हें छोड़ करके यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे, कहीं नहीं जाएंगे तुमको छोड़ के, हम यहीं रहेंगे तुम्हारे साथ। और जब भगवान ने गोपियों के समर्पण भाव को देखा तो भगवान ने वृंदावन में गोपियों के साथ रासलीला की। और जब रासलीला की तो रासलीला में हर दो गोपी के बीच में एक कृष्ण है, एक गोपी एक कृष्ण, एक गोपी एक कृष्ण, एक गोपी एक कृष्ण, सैकड़ों गोपियां और सैकड़ों कृष्ण। भगवान ने रासलीला की। अब रास करते 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 गोपियों को आ गया अभिमान,
अभिमान मतलब घमंड। गोपियां सोचने लगी कि हमसे भाग्यवान तो कोई है ही नहीं। क्यों? क्योंकि कृष्ण ने हमारे साथ क्या किया है? रास रचाया है। और देखो भगवान क्या खाते हैं? क्या खाते हैं भगवान बताओ? कल या परसों की कथा में बताया था ना, भगवान क्या खाते हैं? माखन और क्या खाते हैं? माखन भी खाते हैं, दूध भी पीते हैं, मिश्री भी खाते हैं, और क्या खाते हैं? रोटी, दाल चावल सब खाते हैं। क्या खाते हैं? मिश्री, मिट्टी। भगवान ये सब तो खाते हैं। इसके साथ यदि देखा जाए तो भगवान भक्त के अहंकार को खाते हैं। क्या खाते हैं? अहंकार। भक्त खाते, भगवान खाते हैं भक्त का। बाकी तो प्यार से हम जो भोग लगाएंगे वो खाएंगे। मिश्री खाते, दूध पीते, माखन खाते, रोटी खाते, दाल चावल, जो आपने प्यार से। हमारे जो भगवान है वो बहुत महंगे नहीं है। ये लोग कहते हैं ना कि अरे भगवान की पूजा में बहुत पैसा लगता। बिल्कुल नहीं लगता। हमारे भगवान बिल्कुल महंगे नहीं। और बिल्कुल कोई कहे कि भगवान को एक्सपेंसिव चीजें अच्छी लगती हैं, महंगी चीजें अच्छी लगती हैं तो ना। गीता कहती है पत्रम पुष्पम फलम तोयम। भगवान को ये चार चीजें चाहिए बस। पत्रम, पत्ता, किसी भी पेड़ से पत्ता तोड़ के चढ़ा दो। पुष्पम, किसी भी पेड़ से फूल तोड़ के चढ़ा दो। फलम, कोई भी फल लाओ चढ़ा दो। तोयम, जल। ये महंगी चीजें हैं। पत्ता महंगा है, फूल महंगा है, फल महंगा है। जो सस्ते फल हैं, जैसे बेर कहीं भी लगी मिल जाएगी, अमरूद कहीं भी लगा मिल जाएगा, ऐसे बहुत से फल हैं, पपीता कहीं भी लगा मिल जाएगा। तो भगवान इतनी सस्ती चीजें, पत्रम पत्ता, पुष्पम फूल, तोयम जल, फलम फल। भगवान बहुत एक्सपेंसिव चीजों की डिमांड नहीं करते कि मुझको बहुत महंगी महंगी चीजें दो। भगवान तो कहते बस प्यार से ये भी दे दोगे ना, और ये नहीं भी दोगे, सिर्फ प्यार दोगे तो भी चलेगा। लेकिन यदि अहंकार आया तो फिर भगवान भक्त का अहंकार खाते हैं। क्या खाते हैं? अहंकार। और गोपियों को आया अहंकार। अभी भगवान ने गोपियों के साथ रास किया, गोपियां खूब खुश हो गई। अहंकार आया, अरे हम तो भाग्यवान हैं, हमारे साथ गोविंद ने रास लीला की। और जब अहंकार आया तो भगवान कहते हैं कि भक्त की भक्ति में सबसे बड़ी परेशानी है उसका अहंकार। इसलिए गोपियों का अहंकार समाप्त हो, भगवान गोपियों के पास से भाग गए, छिप गए। भगवान भक्त को छोड़ करके कभी भागते नहीं है, लेकिन गोपियों के नेत्रों में अहंकार का जो पर्दा है, गोपियों के नेत्रों में अज्ञान का जो पर्दा है, उस अज्ञान के पर्दे के सामने गोपियों को भगवान दिख नहीं रहे। गोपियों को लग रहा है कि भगवान हमें छोड़ के भाग गए। गोपियों ने भगवान को बहुत ढूंढा, चारों तरफ ढूंढ रही हैं, वृंदावन में, यमुना जी के किनारे, मधुवन में, रमण रेती में, निधिवन में, कुंज गली में, इस तट पे, उस तट पे, इस घाट पे, उस घाट पे, चारों तरफ गोपियां भगवान को ढूंढ रही हैं। हा नाथ रमण प्रेष्ठ क्वासी क्वासी महाभुज अतप्यंस्तम चक्षाणां करिण्य इव यूथपम। गोपियां कह रही हैं, हे कृष्ण, हे नाथ, हे रमण,
आप हम जैसी अपनी निशुल्क दासियों को छोड़ करके कहां चले गए? हे कृष्ण आप कहां हैं, आप कहां हैं? ऐसे कह कह के पूरे वृंदावन में गोपियां भटक रही हैं और भगवान को ढूंढ रही हैं कि शायद भगवान मिल जाए, शायद भगवान मिल जाए। पर भगवान गोपियों को मिलने वाले नहीं है। ढूंढते 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 गोपियां आगे बढ़ी तो वृंदावन की धूल में भगवान के चरण कमलों को बना देखा, पैर देखे। और जब पैर बने देखे वृंदावन की धूल में तो गोपियां खुश हो गई कि जब भगवान के चरणों की धूल मिल गई, चरण चिन्ह मिल गए तो भगवान भी मिलेंगे। थोड़ी और आगे चली तो गोपियों की गोपियों ने देखा कि भगवान की जो चरण चिन्ह है उस चरण चिन्हों को थोड़ा सा धूल में गहरा गहरा देखा। गहरा समझ गए ना, जैसे धूल में कोई चले तो उसके पैर बन जाते हैं, लेकिन यदि कोई चले अपने ऊपर बोझ लेके 50-60 किलो वजन रख के चले तो क्या होगा? धूल में पैर भी बनेंगे और पैर थोड़ा गहरे गहरे बनेंगे। वैसे थोड़ी देर तक तो गोपियों ने भगवान के पैर देखे, फिर गोपियां देख रही हैं कि भगवान के पैर थोड़ा सा गहरे दिखाई पड़ रहे हैं, तो गोपियां समझ गई कि यहां से ही कृष्ण राधा जी को अपने कंधे पर या गोद में उठा करके भागे हैं। गोपियों ने भगवान के पैर देखे, चरणों की धूल, और गोपियां चरणों की धूल पाके खुश हैं। एक दूसरी गोपी से कह रही हैं, धन्या अहो अमियात्यो गोविंदांग्रियब्जुरेणवा यान ब्रह्मेशो रमा देवी दधुर्मूर्धन्युघ्नो। गोपियां कहती हम धन्य हैं, हम धन्य हैं, धन्य हैं। क्यों? क्योंकि हमें गोविंद के चरणों की धूल मिल गई। और चरणों की धूल कैसी? कहा इस चरणों की धूल को पाने के लिए स्वयं ब्रह्मा जी तरसते हैं। कौन ब्रह्मा? ब्रह्मा जी कौन है? कहा ब्रह्मा जी वे हैं जो संसार की रचना करते हैं। ब्रह्मा जी वे हैं, जब ये जीव माँ के गर्भ में होता है तो इन पांच बातों को तय करते हैं, आयु कर्म च वित्तम च विद्या निधनमेव च पञ्चैतान्यपि सृज्यन्ते गर्भस्थस्यैव देहिनाम। ब्रह्मा जी कौन? जब जीव माँ के गर्भ में होता है तो इन पांच बातों को तय करते हैं, आयु मतलब आपकी उम्र कितनी होगी, कर्म क्या करोगे, धन कितना होगा, ज्ञान कितना होगा, मृत्यु कब होगी। और गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में तो लिखते हैं, जन्म विवाह मरण तहां होई जहां जस लिखा सो तस विधि होई। आपका जन्म कहां होना है, कैसे होना है, किसके यहां होना है, आपका विवाह कब होना है, कहां होना है, किससे होना है, आपकी मृत्यु कब होनी है, किस स्थान पर होनी है, किन परिस्थितियों में होनी है, ये तय करने वाले हम और आप कोई नहीं है। आप सोचो कि हम निश्चित कर लेंगे कि हमें जन्म कहाँ लेना, हमें विवाह कहाँ करना, हम नहीं करते, ये पहले से तय होता है, ये भगवान फिक्स करके भेजते हैं सब। तो जो ब्रह्मा जी इन बातों को माता के गर्भ में तय करते हैं, वे ब्रह्मा जी भगवान के चरणों की धूल को पाने के लिए तरसते हैं। और स्वयं भगवान शंकर, भगवान शंकर तो देवादिदेव हैं, भगवान शंकर महादेव हैं, भगवान शंकर जगत के पिता हैं, भगवान शंकर जगत के गुरु हैं, तो स्वयं जगत के गुरु भगवान महादेव भी कृष्ण के चरणों की धूल को पाने के लिए तरसते हैं। और रमा देवी कहती लक्ष्मी को, लक्ष्मी जी सबको प्यारी है, लक्ष्मी तो हमेशा नारायण के साथ रहती है,
क्षीर सागर में नारायण के चरणों की सेवा करती रहती है लक्ष्मी। लेकिन वे लक्ष्मी जो नारायण के चरणों की सेवा करती हैं, वे लक्ष्मी भी कृष्ण के चरणों की धूल को पाने के लिए तरसती हैं। गोपियां कह रही हम तो धन्य हैं, बड़े सरलता से कृष्ण के चरणों की धूल मिल गई, अब कृष्ण भी मिल जाते। ऐसा सोच विचार करते हुए गोपियां जब आगे बढ़ी बढ़ते जा रही हैं कि शायद भगवान मिल जाएं, पर भगवान नहीं आए।